क्लॉथ शोरूम के अंदर एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है। कंप्लेनेंट है, उन्होंने बताया कि पहला जोगिंदर और उनके साथियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा वरदान न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर सिटी गुरुग्राम में 24 घंटे के अंदर अलग अलग स्थानों पर लगातार एक के बाद एक घटित हुई हत्या की तीन वारदातों ने अपने आप को हाईटेक बताने का ढिंढोरा पीटने वाली गुरुग्राम पुलिस की पोल खोल कर रखी। हत्यारोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से आराम से फरार हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ आरोपियों की गिरफ्तारी के नाम पर अभी तक कुछ नहीं आया। हालांकि गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता की तरफ से वही रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक ये क्लॉथ शोरूम के अंदर एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है, जिसके अंदर सुखबीर सिंह नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस बारे में FIR दर्ज की जा रही है और एक्यूट को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में तीन अलग अलग जिन स्थानों पर बदमाशों ने अपना तांडव मचाया, उसमें सबसे पहली वारदात गुरुग्राम के नाथूपुर एरिया में सामने आई, जहां अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। इस पूरी वारदात में बदमाश शव को खाली प्लॉट में फेंक कर मौके से फरार हो गए, लेकिन अब तक पुलिस महिला की पहचान भी नहीं कर पाई। लेकिन पुलिस फिर भी दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं दूसरी वारदात गुरुग्राम के सदर बाजार स्थित रेमंड शोरूम में कपड़ों की खरीदारी करने गए सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुखबीर उर्फ सुक्की चेयरमैन की पांच अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और वहां से आराम से फरार हो गए। इस दौरान ये पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही CCTV के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरी वारदात गांव भोड़ा कला में उस समय घटित हुई जिस समय स्क्रैप व्यापारी जब अपनी बुलेट बाइक से अपने नौकरों को खाना देने जा रहा था, उसी समय पहले से ही घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन अज्ञात हमलावरों ने व्यापारी सुमित चौहान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और बड़े आराम से वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। रात को लगभग 10:30 बजे के करीब सुमित नाम का नौजवान, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी और वो स्क्रैप का काम करता था, वो अपने एक साथी महेश के साथ मोटरसाइकिल पे सवार होकर अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोगों ने उस पर अटैक किया, फायर आर्म से फायरिंग की और उसकी दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में हमने बिलासपुर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो हमलावर हैं, उनको उनके जो हमारे कंप्लेनेंट है उन्होंने बताया कि पहला जोगिंदर और उनके साथियों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमने उनकी तलाश पुरजोर तरीके से जारी है और उम्मीद है बहुत जल्द हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। ये मेरा चाचा का लड़का है सुमित सनोप श्री दिनेश कुमार आरू बोड़ा का, तो ये स्क्रैप का काम है, गत्ता और स्क्रैप का इसका काम मोटा है इसका, तो ये लेबर है इसके पास 200 के करीब, तो कुछ लेबर इसके ऑफिस पे ही इसने रूम बना रखे वहाँ रहती है जो स्टाफ है। रात को 10 बजे के करीब ये उनको रोटी देने गए, एक मोटरसाइकिल पे ये था और एक और था, एक पे हमारे चाचा जी दिनेश कुमार जी, ये लेबरों को रोटी खिला के 10:30-11 के करीब ये अपने ऑफिस से घर 1 किलोमीटर की दूरी पे, ये रोड पे जैसे ही डिवाइडर क्रॉस करके अपने घर जाना लगेगा, तो ये 5-7 आदमी वहाँ घात लगा के बैठे थे, इन्होंने उस पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दी, वो वहीं पर ढेर हो गया। उसके बाद हम यहाँ मैदानता में ले, मैदानता में मृत घोषित कर दिया। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में एक के बाद एक घटित हुई हत्या के तीन वारदातों को देखने से तो यही लग रहा है कि बदमाशों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ, जिसके चलते अपराधी लगातार पब्लिक में अपना खौफ फैला रहे हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस द्वारा हत्यारोपियों को गिरफ्तार किए जाने वाले वायदों में कितनी सच्चाई है और पुलिस आरोपियों को आखिर कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान गुरुग्राम। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करें हरियाणा वरदान। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।